हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस चीज़ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं वो एक न्यूज़ है। किससे रिलेटेड न्यूज़ है? मॉर्गन स्टैनली। तो मॉर्गन स्टैनली आपको पता ही है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, एज वेल एज़ बात की जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली एक कंपनी है जो कि फाइनेंस इन्वेस्टमेंट और उसमें डील करती है फाइनेंस में। तो ये ऑल ओवर जो स्टॉक्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, उस पर एक रिपोर्ट जारी करती है। तो इंडिया के भी पर्टिकुलर स्टॉक्स है उसके ऊपर इसने रिपोर्ट जारी करी है कि कहाँ पर ये 2021 में फोकस रखने वाले हैं। तो वही लिस्ट है, उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो आपका भी होना चाहिए उस पर ध्यान, क्योंकि वो शेयर जो इसने बताया काफ़ी दिग्गज शेयर है। और कुछ स्टॉक्स ने ऐसे बताए हैं कि यहाँ से निकल जाना, मतलब उसका इतना फोकस नहीं रहेगा उन शेयरों पे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंस शेयर बाजार, जो आपका चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल दिया गया है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंजल ब्रोकिंग के साथ नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है, सेबी रजिस्टर्ड है, जीरो डिलीवरी चार्ज है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन एज वेल एज कस्टमर सर्विस है। तो जिस शेयर से रिलेटेड उन्होंने बात करी है, सबसे पहले जो बात करी है तो बता दूं मैं आपको, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक शेयर है, ओके, जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करता है, एरोस्पेस में काम करता है। तो इसकी तरफ आप नज़रें बना सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। देखिए मार्केट में गिरी थी तो ये भी गिरा था, उसके बाद इसने लगभग आपको पैसे को डबल कर दिया है, ओके। और एज वेल एज़ काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ये कंपनी नज़र भी आती है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो देखिए पैसों में चलने वाला शेयर आज 135 रुपये का है। और ऑल टाइम हाई की भी बात करें तो 190 के आसपास का ऑल टाइम हाई है, तो इसकी तरफ नज़रें बना के रख सकते हैं। एज वेल एज जिस शेयर से रिलेटेड बातें करी है वो है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया देखिए पेंडामिक में गिरी थी, 2000 के आसपास आई थी, फिर उसके बाद 52 वीक हाई इसने उसी टाइम अभी जुलाई में लगाया था लगभग 4000 रुपये का। उसके बाद ये शेयर देखिए गिरता हुआ नज़र आ रहा है, उसके पीछे भी रीज़न भी है, ऊपर आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, आपको पता चल जाएगी, उसके फंडामेंटल्स भी उसमें बता रखे हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है, बट एज सून एज जैसे इसके रिजल्ट आने वाले हैं तो ये आपको भागता हुआ शायद नज़र आ सकता है, तो इसकी तरफ नज़रें बना के रखिए। बाकी निफ्टी 50 का काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में आप हमेशा के लिए जगह दे सकते हैं। एज वेल एज देखिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओके, आपको पता ही है कि जब बात लाइफ इंश्योरेंस की करते हैं तो लोग केवल SBI लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस की ही बात करते हैं, क्योंकि यही दो स्ट्रॉन्ग ऐसे शेयर है जिनके बारे में बातें होती हुई नज़र आती है। बट अगर बात की जाए, तीसरा एक और शेयर है जो कि काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ओके, और जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दे चुका है। वॉलीटिलिटी तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ दिखाई दे रही है, बट स्टिल यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड ही बना हुआ है, 516 पे ये शेयर चल रहा है मैक्सिमम, और भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा शेयर है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। तो आने वाले 10-15 साल के लिए देखिए लोग अब अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग केवल इंश्योरेंस कंपनी पे फोकस किए हुए हैं, तो ये शेयर भी आपको भागता हुआ नज़र आ सकता है। एज वेल एज बैंकिंग में भी देखिए, ऑलवेज मैं आपको बताता ही हूँ कौन सा शेयर, तो आपको HDFC बताता हूँ, एज वेल एज कोटेक बताता हूँ, फेडरल बैंक बताता हूँ, ICICI बैंक बताता हूँ, एक्सिस बैंक बताता हूँ, बट एक और स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को लोग इसलिए चूज़ नहीं करते क्योंकि अभी वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड जो इनके लोन है, ओके, वो बहुत ज़्यादा इन्होंने दे रखा है उसे, तो इस वजह से देखिए ये शेयर फोकस में नहीं आता। इस वजह से ये शेयर देखिए लगभग 2000 रुपये पे चलने वाला शेयर, अगर मैक्सिमम की बातें करें तो 2000 रुपये पे चलने वाला ये शेयर हुआ करता था, और गिरते 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 300 पे आया, बट स्टिल अभी भी देखिए अच्छा खासा रिकवरी करके 200% तक के रिटर्न दे के 946 पे पर ये अभी यहाँ पर इर्द गिर्द है। बट इसकी तरफ मॉर्गन स्टैनली ने कह दिया है कि आप फोकस रह सकते हैं, 2021 में बहुत अच्छा रिटर्न ये दे सकता है, जो इसका 52 वीक हाई है अगर कहे तो लगभग 1400 रुपये, तो उधर तक जाने की ही पूरी हिम्मत रखता है, तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। एज वेल एज एक शेयर और जस्ट आया, यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव ट्रेंड ही है, बट जब आया था तब काफ़ी चला था, उसके बाद देखिए लगातार गिरावट ही नज़र आई है और काफ़ी अच्छी गिरावट नज़र आई है। और अगर इसलिए बताना चाहता हूँ, जस्ट मॉर्गन स्टैनली ने ये और कंपनी को अपनी सजेस्ट किया है जस्ट डायल को, बट मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट रीडिंग द रिपोर्ट जो आपको मैं आगे दिखाने भी वाला हूँ। एज वेल एज बात की जाए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड की, तो देखिए ये काफ़ी अच्छा शेयर है जो कि मॉर्गन स्टैनली ने आपको रिकमेंड किया है कि 2021 में उसका फोकस इस पे शेयर पे होने वाला है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखें तो काफ़ी अच्छा इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी है। और ये जो NBFC है एक्चुअली, और ये NBFC आपको रूरल एरिया मतलब हमारे देश में गाँव में आपको देखने को मिलेगा, ओके, तो
वहाँ पर इस जो कंपनी है उसकी इसकी जो फाउंडेशन है काफ़ी गहरी है, तो इसलिए आप इस शेयर की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अभी 52 वीक हाई से काफ़ी लो चल रहा है, ओके, अभी भी देखिए पूरा रिकवर नहीं हुआ है, यहाँ पर पूरी मार्केट रिकवर हो गई है और भाग गई है, बट स्टिल इसने आपके पैसों को डबल किया है, तो इसकी तरफ भी आप नज़रें बना के रख सकते हैं। एज वेल एज एक और शेयर है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है, ओके। अगर देखिए लोग सोचते हैं पंजाब नेशनल बैंक का शेयर है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये भी मैं इसके ऊपर अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसकी तरफ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 372 रुपीज़ के आसपास ये शेयर चल रहा है, आज के डेट में 4% की जंप है, तो एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उस वीडियो को जाके अगली वीडियो आने वाली है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको PNB हाउसिंग फाइनेंस के कुछ पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रांग ये शेयर है और आपको कितने अच्छे रिटर्न्स ये दे सकता है। तो अगर बात की जाए एक और शेयर की, तो टाटा स्टील के लिए भी मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि ये उनकी रिटायर में है 2021 में, ओके। एंड मैक्स एंड चार्ट पैटर्न देखे तो काफ़ी बेहतरीन है, बट आपको पता ही है टाटा का एक तो शेयर है तो ट्रस्ट तो बनता ही है, T4 टाटा, T4 ट्रस्ट। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि बहुत वॉलेटाइल शेयर है, तो इसे थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टील और मेटल से रिलेटेड ये शेयर है, तो यूरोप या फिर दूसरी जो कंट्रीज़ होती है उसमें कुछ भी इफेक्ट होता है, डॉलर में कुछ चेंजेस होता है, तो सबसे पहले इफेक्ट इसी कंपनी पे होता है, तो मेटल्स की कंपनी पे होता है, तो टाटा स्टील इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, जो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है। एज वेल एज अगर कुछ बात की जाए और ऐसे शेयर जिनकी तरफ मॉर्गन स्टैनली की नज़र नहीं है, उसने अपनी फोकस लिस्ट से हटा दिया है, तो देखिए मदर सन सोमी को उसने कह दिया है कि ये उनका इस कंपनी से रिलेटेड ओके फोकस है जो हटता हुआ नज़र आ रहा है। और मदर सन सोमी आपको पता ही है कौन सी कंपनी है, मदर सन सोमी जो उसमें काम करती है, जो ये आपकी जो गाड़ियों में जो पार्ट्स लगते हैं उसमें ये डील करती है, और वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी कंपनी है। एज वेल एज बात की जाए ITC, ITC तो आपको पता ही है FMCG का सेक्टर है, बहुत अच्छी कंपनी है, बट स्टिल उसने अपनी रडार से इसे हटाता हुआ नज़र आया ITC। एज वेल एज बात की जाए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड HDFC, इसे भी उसने अपनी फोकस लिस्ट से हटा दिया है। और एज वेल एज बात की जाए दूसरे शेयर की, तो देखिए सन फार्मा को उसने अपनी लिस्ट से हटा दिया है, जो फार्मा की कंपनी है, एज वेल एज बजाज फाइनेंस को उसने अपनी लिस्ट से हटा दिया है। अब क्यों हटाया है उसके पीछे तो नहीं पता। एज वेल एज बात की जाए हैवेल्स इंडिया, यहाँ पर 1000 रुपीज़ के आसपास यहाँ नज़र आ रहा है, जिसे भी हटा दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हटा दिया है। एज वेल एज इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, इसे भी अपने रडार से हटा दिया है 2021 में, क्योंकि उसका कहने का अगर कहा जाए क्यों हटाया, तो इसके पीछे शायद ये रीज़न हो सकता है कि ये जो स्टॉक्स है ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं पेंडामिक में, ओके, एंड अपने जो इनका पूर जितने गिरे थे उससे ज़्यादा ये रिकवर हो चुके हैं। एज वेल एज बात की जाए ये जो शेयर्स है ओके, काफ़ी उनका जो जो मॉडल आजकल चल रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप, तो ये जितने भी शेयर है ये सारे लार्ज कैप कंपनी के थे, बट स्टिल जो कंपनी लोगों का जो फोकस है वो स्मॉल कैप और मिड कैप पे, और यही जो शेयर आपको बताए गए थे स्मॉल कैप और मिड कैप वाले ही थे, इनकी तरफ ही इसका रुझान है। और यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, देखिए फोकस लिस्ट इन द सेक्टर मॉडल पोर्टफोलियो चेंज, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक, ब्रिटानिया, ICICI प्रू लाइफ, इंडसइंड, जस्ट डायल, MMFS, PNB हाउसिंग, टाटा स्टील, तो आर एन एंट्री इन टू फोकस लिस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ मदर्स एंड सुमी, ITC, HDFC, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, हैवेल्स, SBI एंड इंटर ग्लोबल। तो ये मॉर्गन स्टैनली की ने अपनी एक लिस्ट जारी करी है, तो ये कुछ स्टॉक्स है जो उसने रिडार पे रखने के लिए कहा है, फोकस पे रखा है, एज वेल एज कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो उसने, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिसने फोकस लिस्ट से हटा दिए। तो मॉर्गन स्टैनली थिंक्स दैट इंडिया अपीयर्स टू बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ ग्रोथ रेट कंसेंट्रेशन एंड कोरिलेशन पोर्टफोलियो नीड टू शिफ्ट टू दीज इमर्जिंग ट्रेंड, तो उसने कहा है कि ऐसे ही पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जहाँ पर इमर्जिंग ट्रेंड हो, जहाँ पर बढ़ता हुआ ट्रेंड हो। विथ COVID-19 इन्फेक्शन अपीयर्स टू हैव पीक टू गवर्नमेंट, देखिए हमारे देश में कोविड के जो केसेस है वो भी कम होते आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है एक्शन बीटिंग द एक्सपेक्टेशन एंड इंडिया कंपनीज पिकिंग अप एक्टिविटी थ्रू द पेंडेमिक, मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट ग्रोथ टू द सरप्राइज ऑन द अपसाइड। तो इसलिए मॉर्गन स्टैनली सोच रहा है कि जिस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है, इस तरीके से एग्रेसिवली काम कर रही है, तो ये जो कुछ शेयर्स है ना ये बहुत अच्छे आपको रिकवर होते हुए नज़र आ सकते हैं, तो इसलिए उस कंपनियों की उसने लिस्ट बनाई है जहाँ पर उनका
फोकस है और जहाँ पर उनका फोकस अभी हटता हुआ नजर आ रहा है। तो यही एक व्यूज था जो मॉर्गन स्टैनली ने अपना शेयर किया था, वही मैंने आपको बताया है। तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल की, ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी जो मैंने आपको पढ़ के बताई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।